सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जल्दी बनने वाले स्टार्टर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है पनीर चिली की रेसिपी और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक मसाले की ज़रूरत होती है जो कि आपको लेकर आना होता है ग्रोसरी स्टोर से, और आप ये कभी भी जब मन चाहे तब ये बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में, चलिए शुरू करते हैं। पनीर चिली बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। अब इसमें हम डालेंगे चिंग्स चाइनीज पनीर चिली मसाला। ये मसाला यूज करने का ये बेनिफिट होता है कि इसमें आपको और कोई चीज नहीं डालनी होती, क्योंकि इसमें है सोया सॉस, विनेगर, सॉल्ट। आपको तीखा खाना है तो इसमें चिली पाउडर भी है, गार्लिक पाउडर भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो बस पनीर चिली मसाला आप पानी में डालें और इसका एक घोल रेडी कर लीजिए। अब ये देख सकते हैं आप, ये घोल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन ले लीजिए, इसमें हम डालेंगे करीबन 1 बड़ी चम्मच तेल। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च जिसे मैंने स्लिट करके रखा है। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, गाजर जिसे मैंने गोल गोल कट करके रखा है आप देख सकते हैं, और हरी शिमला मिर्च आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कट किया हुआ है। और ये जो पनीर है ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब ये सब्जियां डालने के बाद हाई फ्लेम पे इसे हमें 2 मिनट के लिए टॉस करना है ताकि इसमें इसकी जो रॉनेस होती है वो चली जाए। पर ये ध्यान रखें जो सब्जियों का क्रंचीनेस है वो हमें नहीं हटाना है। तो बस 2 मिनट इसे टॉस करने के बाद इसमें हम पनीर डाल देंगे। यहाँ पर मैं 100 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ और पनीर को भी आप सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से टॉस कर लीजिए। और ये देखिए कितनी कलरफुल दिख रही है हमारी ये पनीर चिली। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमने पनीर चिली मसाले से जो घोल रेडी करके रखा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे, फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये हम हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे। अब हाई फ्लेम पे करीबन इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, या फिर आपको जितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वहाँ तक इसे हम पकाएंगे। और उसके बाद इसे गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियंस से। स्प्रिंग अनियंस किसी भी चाइनीज़ स्टार्टर के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस कटी हुई, बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियंस इसमें डालिए और सर्व कीजिए फ्राइड राइस के साथ, नूडल्स के साथ, चाउमीन के साथ, जिसके साथ भी आपको इसे सर्व करना हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये पनीर चिली की रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी है, बस आपको चाहिए है एक मसाला, चिंग्स चाइनीज़ पनीर चिली मसाला, वो लेकर आइए मार्केट से और बस घर में जब मन चाहे बना लीजिए। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं, आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।